तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये जून 2021 तक ये सिलेबस एप्लीकेबल है, और इसके ठीक है सर। अंदर आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि FR और SBR में क्या चीज़ सिमिलर है, बिल्कुल क्या चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो डिससिमिलर एलिमेंट है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, जो कि FR में नहीं था। ठीक है, सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो पहली मर्तबा SBR में स्टैंडर्ड्स आ रहे होंगे, ऑब्वियसली उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल सर, अच्छा जी, सेकंड स्टैंडर्ड जो पहली मर्तबा अब एग्जामिनेबल हो रहा है वो है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, IAS 24। इतना ठीक है सर। खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कभी कभार, कभी सदियों में आता है, ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी सदियों में आता है, इसकी भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये फ्रीक्वेंटली आता है। IAS 19 ये फ्रीक्वेंटली आता है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग ठीक सेगमेंट, ये भी कभी कभार, कभी 4-5 मार्क्स का हल्का फुल्का आ जाता है, कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं। ज्वाइंट ठीक सर। अरेंजमेंट, नया टॉपिक कॉन्सोलिडेशन में कवर होता है ये ज्वाइंट अरेंजमेंट। डन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, ये भी कॉन्सोलिडेशन में कवर होता है। IFRS फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, ये न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब जो मैंने जो नए स्टैंडर्ड हाईलाइट किए ना, उसमें से जो काम के स्टैंडर्ड है ना आपके, वो सिर्फ दो स्टैंडर्ड है, IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, ये मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, और शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 2। अब आप बोलोगे यार सिलेबस में फिर इम्पोर्टेंट क्या है, तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो FR में भी थे लेकिन वो SBR में और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मसलन उनको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। IAS 12 इनकम टैक्स और फर्दर डिटेल के अंदर आ जाएगा, ये ओके वेरी इंपॉर्टेंट। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो डन F3 के जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हो। बिल्कुल अच्छा जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट FR में भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ बहुत डिटेल में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है IFRS 9, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके सही है, ये भी आ गया। उसके बाद IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बिल्कुल उसके बाद लीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अच्छा, अब इसके अलावा आप देखें तो IAS 37 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज कंटिजेंट एसेट, वही सेम FR में था, यहाँ और इम्पोर्टेंट हो गया। इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पढ़े हुए ना पहले, याद आ रहे हैं कुछ? जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट IAS 38, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अगेन इंपॉर्टेंट। सही है जी, फेयर वैल्यू मेजरमेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये मिला जुला के अगर आप इस स्टैंडर्ड्स को काउंट कर लेना जो मैंने हाईलाइट कर ली, तो आपके पास ये की स्टैंडर्ड्स बनते हैं। मैं अलग से आपको डिटेल बता दूंगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सेकंड नंबर पे आएंगे, कौन से थर्ड नंबर पे आएंगे। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सिलेबस के अंदर दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स और हैं,
एक कहलाते हैं आईएफआरएस प्रैक्टिस स्टेटमेंट और एक है एक्सपोजर ड्राफ्ट एंड डिस्कशन पेपर। ये क्या होते हैं? एक्सपोजर ड्राफ्ट या डिस्कशन पेपर या इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये आईएएस या आईएफआरएस नहीं होते, ये आप समझ लें अमेंडमेंट्स होती हैं किसी भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है और करंट इश्यूज के नाम से इस पे सवाल बनते हैं। तो इसके अंदर एक करंट इशू जो है वो ईडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के ऊपर है, एक करंट इशू जो है वो डेफर्ड टैक्स के ऊपर है, एक करंट इशू जो है वो IS 8 की अमेंडमेंट्स पर है, और एक डिस्कशन पेपर चल रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी के ऊपर, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। ये तो बात हो गई है ICICI का ऑफिशियल सिलेबस डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया। सर। ठीक बाकी ये चीजें यूके वाली हैं, यूके और SBR का कंपैरिजन ये रेलेवेंट नहीं है, ये पहला और दूसरा पेज इसका रेलेवेंट होगा। अच्छा, अभी इसके बाद ACCA का एक डॉक्यूमेंट है कि SBR को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, तो उसकी कुछ चीजें मैं बताता हूँ। है और उसके साथ साथ हम जरा थोड़ा सा एक चीज मैं आपको और आपके साथ शेयर करता हूँ, एक पास पेपर, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि SBR का पेपर पैटर्न क्या है। अच्छा, अब SBR कई मुल्कों के अंदर कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, कई मुल्कों के अंदर जो SBR है आपका वो मैनुअल हो रहा है। हमारे यहाँ दिसंबर में क्या होता है, COVID-19 चलता रहा तो कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, और अगर हाँ COVID-19 खत्म जी हो गया तो शायद इसी के बाद मैनुअल है मैनुअल एग्जाम भी ले लें, यू नेवर नो। अभी कंप्यूटर बेस में सर उनका सिस्टम मेरे ख्याल चेंज हो गया था तो वो बच्चे ज्यादा मेरे ख्याल उसे वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे तो शायद उस तरह से भी शायद फेल हो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ यूज्ड टू नहीं थे इतने उसमें या मेरे ख्याल यूज देखें जी, ये एक SBR का पेपर है। SBR में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए भी कंपलसरी है और सेक्शन बी भी कंपलसरी है। जी सर मैं सेक्शन ए में ए दो का सवाल वैसे दे होते हैं, चुका हूँ सेक्शन बी में भी दो सवाल होते हैं, यानी कि आपके पास 3 आवर्स के अंदर दो क्वेश्चन सेक्शन बी के और दो क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में और दो बी में आते। अब अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जो जी पहला जी सवाल बिल्कुल आता है सर आपके पास सेक्शन ए का 30 नंबर का सवाल होता है, और ये जो सवाल होता है ये मोस्टली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। लेकिन अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरा 30 नंबर का कंसोलिडेशन आएगा, और पूरा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने आएगी, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ज्यादातर एग्जामिनर जो ना उसको तोड़ के चीजें पूछता है, जैसे गुडविल बता दो, NCI बता दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता दो, इस तरह से पार्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब यू कैन सी दैट कि एक पार्ट दिया हुआ है 5 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, फिर 6 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, और फिर आखिर में उसने बॉन्ड की कैलकुलेशन का इम्पैक्ट पूछ लिया है और उसकी इम्पेयरमेंट पूछ ली, IFRS 9 डाल दिया उसने 11 नंबर का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट? अक्सर उस पर बिल्कुल सवाल सर आता है। बिल्कुल तो सर वो तो कंसोलिडेशन है जी और जैसे इंपेयरमेंट ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है ना, तो इंपेयरमेंट ऑफ बॉन्ड IFRS 9 में कवर होता है। फिर सेक्शन ए का जो दूसरा सवाल होता है ना, वो
ज्यादातर एथिक्स को मिला के बनाया जाता है, और उसमें दूसरे स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने सवाल में रीस्ट्रक्चरिंग का पूछा, अब तुम्हें याद हो तो रीस्ट्रक्चरिंग IAS 37 में कवर होता है। और देखो पार्ट थ्री में उसने IAS 24 का पूछा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और 5 नंबर के लिए उसने एथिकल इशू पूछ लिया। एथिकल इशू 10 नंबर का भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड है कि पहला सवाल 30 नंबर का आएगा, ज्यादातर कॉन्सोलिडेशन पे बेस कर रहा होगा, और दूसरा सवाल मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे जिसमें एथिक्स ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर होगा। सेक्शन है 50 मार्क्स का। अच्छा, अब सेक्शन बी जो है ना वो फुल ऑफ स्टैंडर्ड्स का सवाल होंगे, और उसमें करंट इश्यूज भी होंगे, लेकिन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे। मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, एक सवाल के अंदर एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स होंगे। एक जैसे फॉर एग्जांपल ये जो तीसरा सवाल है, इसके अंदर उसने लीजिस पूछा, हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 पूछा, लीजिस पूछ लिया, सही है, राइट्स की बात आ रही है, इंटेंजिबल एसेट पूछ लिया, सही है, और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट पूछ लिया। तो IFRS 5, IAS 7, IFRS 16, IAS 38, IAS 36, 25 नंबर का एक मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड बना लिया। फिर जो लास्ट सवाल है वो भी 25 नंबर पे आएगा, और वो लास्ट सवाल में वो नॉर्मली करंट इश्यूज डालता है या नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इश्यूज डालता है, जो कि टफ होते हैं थोड़ा बहुत, और दूसरे स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, जैसे IAS 19 पूछ लिया इसने, IAS 6, IAS 19, IAS 37 का एक मिक्स पूछ लिया सवाल के अंदर, ये IAS 19 का एक मेजर पार्ट उसने यहाँ पे सवाल के अंदर कवर किया। बेनिफिट सही है, ये सर वो को मेरी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही आपकी, डिस्टर्ब आ रही है, लेकिन बीआर एग्जाम पास करने के लिए ना एक प्री रेक्विजिट है, और वो प्री रेक्विजिट ये है कि आपके पास FR की नॉलेज होनी चाहिए। तो FR में भी खास तौर पर आपके पास कंसोलिडेशन की बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, गुडविल, NCI, रिटेन अर्निंग, इंट्रा ग्रुप की एडजस्टमेंट्स। उसके बाद जो की स्टैंडर्ड्स हैं उसमें मैं बताता जा रहा हूँ, आप की स्टैंडर्ड्स नोट करते जाएं। तो जो की स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं उसमें डेफर टैक्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो FR में है, जो आपको दोबारा देख लो। ठीक अच्छा, डेफर टैक्स के साथ IAS 37 प्रोविजंस, है। उसके बाद आता है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, उसके साथ आता है आपका IAS 16, IAS 38 और IAS 36। ठीक ये कॉम्बो है तीनों, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल। ठीक IFRS 15 रेवेन्यू, और IFRS 16 लीजेस। सही है, मुझे अब चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे FR के अंदर जो आप मुझे गाइड कर रहे हैं, जी, मुझे सारे लाजमी नहीं करने क्योंकि आप मुझे गाइड कर रहे हैं, उसी को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि हर चीज नहीं आती है, जैसे IAS 2 इन्वेंट्री है, सही है, सिलेबस तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, तो इन्वेंट्री को तो आप वैसे ही रीड कर लो एक दफा, एक्सटेंसिवली एक्सटेंसिवली देखने की जरूरत नहीं है। अब देखें पेपर के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो पेपर आपका इंटायरली न्यूमेरिकल बेस नहीं है। पेपर क्या है? ठीक है, पेपर ये है कि यू शुड नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स क्या हैं, और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स को आपको सिनेरियो पे अप्लाई करना होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो अब होता क्या है, होता क्या है, जब एक एग्जामिनर एक पार्ट क्वेश्चन बनाता है, मसलन एग्जामिनर ने IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर एक सवाल क्रिएट किया, एक सिनेरियो क्रिएट किया, ठीक है, एक कंपनी ने एक बॉन्ड खरीदा और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि बॉन्ड होल्डर की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी और एट दैट इंडिकेट्स इम्पेयरमेंट, उसके बारे में उसने आपको कोई चीजें बता दी। तो जब एग्जामिनर कहेगा ना डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपको सिनेरियो से रिलेटेड पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, IAS 32, 39, IFRS 9 क्या कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो पहले तो आप उसको बताएंगे रूल क्या है, और रूल बताने के बाद जो उसकी इम्प्लीकेशन होगी कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा, वो दूसरी चीज है। तो आपको सिनेरियो पढ़ के ना रेलेवेंट स्टैंडर्ड पिक करना पड़ेगा कि मसला किस चीज का। अगर आप मसला ही नहीं पकड़ पाए, अगर आप ये मसला ही नहीं पकड़ पाए तो थ्योरी गलत लिख देंगे, तो मसला पकड़ना बहुत जरूरी है। सही है। अच्छा, अब ये जो ये जो पेज यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो आर्टिकल है, जो पेज है, ये एग्जामिनर टीम का लिखा हुआ है, इसके अंदर काफी यूजफुल चीजें उन्होंने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है कि पेपर पास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। स्टूडेंट इसकी एडवाइस को फॉलो नहीं करते, सही है, लेकिन कर लिया जाए तो दैट इज वेरी गुड। तो अगर हम पहली चीज की तरफ चलें, हाउ टू अप्रोच दी स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एग्जाम। SBR has a wide syllabus which include many accounting standards, some from financial reporting FR and other in SBR. ये मैंने तुम्हें अभी syllabus से proof करके दिखा दिया कि कुछ पुराने standard हैं, कुछ नए standard, ठीक है। उसके अलावा current issues आते हैं, exposure draft और narrative reporting के बारे में पूछा जाता है, सही है। क्वेश्चन आपसे एक सिंगल कंपनी के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, ग्रुप के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप की एंटिटी पे सवाल आ सकता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप इसकी एडवाइस लें, advice from an expert tutor, make use of ACCA resources. ACCA की website के ऊपर technical articles होते हैं, ठीक है? वो technical article read लाजमी करने ना। मैंने तुम्हें याद है F9 के अंदर दिए हुए थे, क्लास में पढ़ाए भी थे, याद है ना? जी जी बिल्कुल याद है। वो टेक्निकल आर्टिकल साफ सी बात है, क्लियर है कि वो मैंने पढ़े नहीं थे, वो अलग इशू है। जी जी, नजर आ रहे हैं टेक्निकल आर्टिकल ACCA ग्लोबल। जी जी बिल्कुल। अब मैं अगर टेक्निकल आर्टिकल SBR के देखूं तो यहाँ पर मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेफर टैक्स का टेक्निकल आर्टिकल, तो अब डेफर टैक्स का ये टेक्निकल आर्टिकल जरूरी है बहुत पढ़ना ना, कि डेफर टैक्स में क्या है, तो उसने बेसिक बताया हुआ है, फिर उसने डेफर टैक्स में FR का बताया कि FR में आपने डेफर टैक्स क्या पढ़ा था, फिर उसने डेफर टैक्स में SBR की एडिशनल चीजें बताई कि SBR के अंदर एडिशनल चीजें क्या होंगी। अभी काफी तवील आर्टिकल है, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए। तो ये जो रिसोर्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज, रियल लाइफ रीडिंग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्टूडेंट नहीं करते रियल लाइफ रीडिंग, ये एडवाइस कर रहे हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। रियल लाइफ रीडिंग का मतलब होता है कि आप PSO की बैलेंस शीट उठाएं, एप्पल की बैलेंस शीट उठाएं और उसको रीड करें, उसमें IFRS की एप्लीकेशन चेक करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कवर द सिलेबस वाइडली, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें SBR में, ये भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हम इम्पोर्टेंट एरियाज पे फोकस पहले करते हैं।
फिट की प्रैक्टिस, पास पेपर की प्रैक्टिस, एक सवाल सॉल्व करने बहुत जरूरी है। सिर्फ कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि आपने कंसोलिडेशन के 25 सवाल कर लिए, आपको आईएएस लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, और आंसर लिखना कैसे उसकी प्लानिंग और राइटिंग का तरीका। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो रिसोर्सेज इसने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। एसबीआर की एक आपके पास स्टडी गाइड है, जिसके अंदर उसने ये बताया हुआ है कि जी एसबीआर के अंदर सिलेबस में क्या है, एग्जामिनर अप्रोच आर्टिकल, एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अप्रोच, रेकमेंडेड अप्रोच, हाउ टू अर्न प्रॉफिट, टेक्निकल आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एग्जामिनर की रिपोर्ट, रीड द माइंड ऑफ द मेपर एंड डीब्रीफ वीडियोज वगैरह, जितना आप इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे उतना आपके लिए चीजें अच्छी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, सही कह रहा ठीक है। अच्छा, राइटिंग अ गुड आंसर डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म, प्लान योर आंसर, यूज हेडिंग एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स, कंसीडर आप किसके लिए आंसर कर रहे हैं, हु इज योर स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर है, डायरेक्टर्स हैं, किसके बाद किसको आप एडवाइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जामिनेशन टिप है आपके पास। अब एक और डॉक्यूमेंट है, अनदर डॉक्यूमेंट, अच्छा ये देखें आप, लिंकेज जो बनता है एसबीआर का, तो एसबीआर का जो लिंकेज बनता है वो बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक पेपर, फिर उसका एडवांस पेपर, और उसके बाद एसबीआर उसका एडवांस पेपर, ये लिंकेज बनता है कि आप बेसिक से क्या क्या पढ़ते हुए आ रहे हो, सही। अच्छा, फिर आपने जो एफआर के सिलेबस में पढ़ा हुआ होता है उसके अंदर एक चीज आपने पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो बार बार रेगुलेटरी और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की चीजें भी एसबीआर के अंदर आ जाती हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो फ्रेमवर्क है, आईएसबी का जो फ्रेमवर्क है, बेसिकली वो है क्या, उसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे इन एसबीआर यू मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन इवेंट्स दैट एन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड डू नॉट कवर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज ऑफ फ्रेमवर्क, तो अगर फ्रेमवर्क अच्छी तरह से कवर नहीं होगा तो बाजब आपको फ्रेमवर्क अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसी तरह इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल लीज की एग्जाम्पल दी हुई है, एसबीआर के अंदर लीज को उसने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, वहां पर हम लेसी की अकाउंटिंग पढ़ते थे या लेसी लेसर दोनों की अकाउंटिंग शामिल है। फिर उसने यहाँ बताया हुआ है कि उसने नए स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे पेंशन आईएएस 19, शेयर बेस्ड पेमेंट आईएफआरएस 2, ज्वाइंट अरेंजमेंट आईएफआरएस 11, सही है। अच्छा, फिर जैसे F7 में एक इंटरप्रिटेशन वाला इशू होता था, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, लेकिन यहाँ पर सवाल आ सकता है लेकिन वैसा सवाल नहीं आता, डिफरेंट तरीके से सवाल आता है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ग्रुप अकाउंटिंग जी, उसके अंदर एफआर के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन का भी कुछ हमने केस पढ़ा था, IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सही, तो ग्रुप अकाउंटिंग जो ना, ग्रुप अकाउंटिंग सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ग्रुप अकाउंटिंग, और ग्रुप अकाउंटिंग में काफी टाइम लगता है। अब 30 नंबर में से वो कितने नंबर की ग्रुप अकाउंटिंग पूछेगा, 15 की पूछ ले, 20 की पूछ ले, बाद में 25 की भी पूछ लेता है, आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन
जो ग्रुप अकाउंटिंग हम करते हैं नॉर्मली, जो ग्रुप अकाउंटिंग हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर होता क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं ग्रुप अकाउंटिंग का, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो F7 की ग्रुप अकाउंटिंग होती है ना, जी उसके अंदर अगर हम एडिशन करें तो वहां पर सिंगल सब्सिडरी आती थी। बिल्कुल यहां क्या होता है कि यहां पर आपके पास टू और मोर सब्सिडरीज आ सकती हैं। नहीं, बस ये कह रहा था कि उसके अंदर IAS 19 के अंदर मैं आपसे बिल्कुल ये डिस्कशन की थी, तो मैं ये बोल रहा था कि एसोसिएट्स के अंदर कोई मतलब वर्किंग में FRM के लिए उसके सिर्फ MCQs रहते हैं, कोई ऐसी नॉन नहीं थी, नॉन क्वेश्चंस नहीं थे, तो एसोसिएट्स का मेरे ख्याल अगर डिस्कशन उसके बारे में है इसमें। अच्छा यस है। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। इसी तरह से ज्वाइंट अरेंजमेंट, ज्वाइंट वेंचर एक नया एरिया है जो कि आपको पढ़ना है, और फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है सब ठीक सब्सिडरी का, यानी कि सब्सिडरी की भी सब सब्सिडरी, जो तुमने F6 में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, जो कि हमने इस तरह से पढ़ा था F6 के अंदर, के ए ने बी को एक्वायर किया 80% शेयर्स, फिर बी ने सी को एक्वायर किया 70% शेयर्स, तो सी बिकम्स अ सब सब्सिडरी कंपनी। इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप। सही। अच्छा, इसी तरह स्टेप एक्विजिशन एक टॉपिक आता है जिसके अंदर हम सब्सिडरी को स्टेजेस के अंदर खरीदते हैं, जैसे पहले एसोसिएट बना फिर सब्सिडरी बन गई। इसी तरह बाज दफा एक टॉपिक आ जाता है कि हम सब्सिडरी को बेच देते हैं, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। तो चेक करो कितना एक्सटेंसिव टॉपिक है। और इसी तरह बिल्कुल इसके अंदर फॉरेन सब्सिडरी आ जाती है, फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। हाउ टू डील विथ फॉरेन सब्सिडरी, उसके अंदर स्पेसिफिकली हाँ IAS 21 फॉरेन एक्सचेंज, और एक लास्ट टॉपिक कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, जो कि FR में सिंपल कैश फ्लो था, यहाँ आता है कंसोलिडेटेड कैश फ्लोस। तो ये स्पेसिफिकली जो मैंने बताया ना, ये कंसोलिडेशन में चेंजेस है। अब जब 30 नंबर की वेटेज है और कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं 7 या 8 जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, तो प्राइमरी फोकस ग्रुप अकाउंटिंग पे होना चाहिए। और अगर हम बहुत हाईली फोकस पे बात करें कि यार सर ये बताएं कि सिलेबस में सबसे ज्यादा मुझे फोकस किस पे करना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो हम इस तरह से चलेंगे। जो ये डिसाइड करेगा कि यार ये जो एरिया है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और ये एरिया नया भी है, ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया यहाँ के यहाँ पर आपका लिखा है, ये तो आपको स्टैंडर्ड घोल के पी जाना। कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टैंडर्ड। ठीक है इनमें बार बार जो है ना सवाल आ रहे होते हैं, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि IFRS 9 पे सवाल ना हो, IFRS 2 शेयर बेस पेमेंट पे सवाल ना हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे सवाल ना हो, इम्पॉसिबल सी बात है। डेफर टैक्स पे सवाल ना हो, डेफर टैक्स कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है वो टच करेगा। सही है। पेंशन की अकाउंटिंग क्योंकि पहली मरतबा आ रही है इसके चांसेस ज्यादा हैं, शेयर बेस पेमेंट पहली मरतबा आ रही है तो उसके चांसेस कंपैरेटिवली ब्राइटर हैं। सही है। IFRS 15 रेवेन्यू वैसे भी नया स्टैंडर्ड है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, लीजेस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टैंडर्ड है, इम्पेयरमेंट हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है,
प्रोविजन वाला स्टैंडर्ड हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के लिए।